सामने खड़े रहने अलीम भाई, जरा जोर से कॉल कर दो, तुम बेफिक्र रहो, सब आ जाते, कोई नहीं छूटता इसमें। गुज़िश्ता चंद दिनों पहले मुल्क भारत की एक रियासत त्रिपुरा के अंदर मुनज़्ज़म प्लानिंग मनसूबा बंदी करके एक ख़ास समुदाय मुसलमानों को टारगेट करके उनकी मसाजिद और पवित्र कुरान को और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो अपशब्द किए गए हैं, पूरा मुल्क भारत और भारत के तमाम वासी हम इसका कड़े अल्फाज में निंदन करते हैं। और चूँकि हम इस बात को बयान करना चाहते हैं कि हज़रत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिर्फ किसी ख़ास समुदाय के नबी और पैगंबर नहीं हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बताया कि मानव जगत के लिए नबी और पैगंबर बनाकर भेजा गया है। जब हम देशवासी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो पता चलेगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम समाजों को न्याय दिलाने के लिए और समाज से ऊंच नीच को, भेदभाव को ख़त्म करने के लिए जो आपने तालीम दी और जो शिक्षा दी, वो पूरी दुनिया के अंदर लोकप्रिय है। आज पूरी दुनिया के अंदर हज़रत मोहम्मद पैगंबर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एक्सेप्ट किया जा रहा है, ये उनके तालीम, उनके अखलाक और उनके कल्चर की वजह से है। लेकिन चूँकि हिंदुस्तान के अंदर चंद फ़ीसद ऐसा तबका है जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचाना चाहता है, बरसों से यहां पर तमाम मजाहिब, तमाम धर्म के मानने वाले एक दूसरे का ख्याल करते हुए जीते आ रहे हैं, इन समाजों के दरमियान तेढ़ निर्माण करना चाहता है, दुश्मनी पैदा करना चाहता है। हम तमाम देशवासी इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम हुकूमत हिंद से और हुकूमत महाराष्ट्र से, यहाँ पर तमाम व्यापारी संघ, तमाम संगठना के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, हम मांग करते हैं कि हमारा मुल्क सेकुलर है, हमारा मुल्क आइन और संविधान से चलता है। चूँकि राइट ऑफ फ्रीडम या जो बोलने की आज़ादी है, इसके ऊपर लगाम लगाई जाए और किसी भी धर्म के धर्मगुरु फाउंडर के ऊपर अपशब्द इस्तेमाल करने से रोक लगाई जाए और ऐसे कानून नाफिज किए जाए कि दोबारा कोई शख्स किसी भी धर्म के फाउंडर के ऊपर कीचड़ उछालने ना पाए। हम तमाम लोग जो है तो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये मुसलमानों के जज्बात का मामला है और ये हिंदुत्ववाद के नाम पर भगवाधारी जो हमारे जज्बात को उभारना चाहते हैं, मुल्क के अमन अमान को, शांति को और गंगा जमनी तहजीब को ये ख़त्म करना। सर्व समाज बांधवाच्या वतीने माननीय तहसीलदार साहेबांना निवेदन देण्यात येणार आहे आणि निवेदन देण्यात आलं, या निवेदनामध्ये समाज बांधवांची एकच मागणी आहे, जे त्रिपुरामध्ये प्रकरण घडलं ते खूप निंदनीय आहे, त्या बाबतीमध्ये आम्ही सर्वप्रथम त्या एक विशिष्ट विचारधारेच्या लोकांचं ह्या ठिकाणी निषेध व्यक्त करतो। आणि हे भारत देश जेव्हापासून स्वतंत्र झालं त्यापूर्वीसुद्धा ह्या देशामध्ये एकता आणि समानता ह्या देशामध्ये राहिलेली आहे आणि हे ह्या देशामध्ये सर्व समाज बांधव आम्ही आणि आमच्या पूर्वीचे सुद्धा एकत्र येऊन ह्या ठिकाणी ह्या देशामध्ये वावर करत होतो, परंतु काही काळापासून ह्या देशामध्ये काही विविध संघटना किंवा विविध प्रकारची लोक ह्या याच्यामध्ये आल्यापासून असे प्रकार घडत आहेत, ह्या प्रकाराचं त्या ठिकाणी झालेलं जे काही प्रकार आहे त्रिपुरामध्ये त्या प्रकारामध्ये पूर्ण चौकशी व्हावी आणि त्या ठिकाणी चौकशी होऊन जे कोणी दोषी असतील त्या दोषींवर कारवाई त्या ठिकाणी व्हावी, ह्याकरिता आज निवेदन देण्यात आलेलं आहे। आणि ह्या जोपर्यंत त्या ठिकाणी कारवाई होत नाही आणि त्या आरोपीला शिक्षा होत नाही तोपर्यंत अशाच प्रकारचे आंदोलन महाराष्ट्रामध्ये तसेच देशभरामध्ये होतील याची नोंद
देशाच्या आणि राज्याच्या सरकारने घ्यायला पाहिजे. आज 12 नवंबर 2021 शुक्रवार के दिन पूरा महाराष्ट्र में बंद रखा गया था, मगर जिंतूर के अंदर आज हमारे जो दिग्गज रहनुमा है उन्होंने एक बैठक लेकर ऐलान किया था कि हम बंद नहीं रखेंगे और निवेदन ही देंगे, तो जिसके चलते आज जिंतूर शहर के मुस्लिम युवाओं ने यहाँ पर माननीय तहसीलदार के मार्फत देश के राष्ट्रपति महामहिम को एक निवेदन भेजा है और मांग की है कि मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले इन दंगाइयों के खिलाफ कड़क कार्रवाई की जाए और तुरंत उन्हें शासन किया जाए, जिसके चलते आज आप देख रहे हैं तहसीलदार को यहाँ निवेदन दिया गया है. मैं मोहम्मद एजाज, कैमरामैन बाबा राज के साथ.